नेता आजम खान को एक बार फिर से बड़ा झटका लगने वाला है और ये झटका रामपुर पब्लिक स्कूल से जुड़े हुए नोटिस को लेकर है। दरअसल अब 7 दिन के अंदर बिल्डिंग खाली करने के निर्देश दिए गए हैं रामपुर पब्लिक स्कूल, अब 7 दिन के अंदर खाली करना होगा। बताते चले कि जौहर ट्रस्ट के अध्यक्ष आजम खान पर सरकारी जमीन पर कब्जा करने का आरोप लगा है। रामपुर में बीजेपी विधायक आकाश सक्सेना ने इसकी शिकायत की और आजम पर धांधली करने का आरोप लगाया था। इस पूरे मामले में योगी कैबिनेट में चर्चा हुई और जौहर ट्रस्ट से 100 करोड़ की जमीन वापस ले ली गई। अब इसी सरकारी जमीन पर रामपुर स्कूल भी बना है। अब ऐसे में अगले 7 दिनों में स्कूल खाली करने के निर्देश जारी किए गए हैं। सीधे रुख कर लेते हैं, मनीष यादव का इस समय मेरे साथ में जुड़े हैं उत्तर प्रदेश से ही। मनीष, एक के बाद एक कई झटके आजम खान को यहां पर लगते हुए नजर आते हैं, अब रामपुर पब्लिक स्कूल को भी खाली करना होगा, क्या जानकारी है? देखिए, नोटिस थमा दिया गया है कैबिनेट में। जब ये प्रस्ताव पास हुआ उसके बाद डीएम ने आदेश मिलने के बाद 5 सदस्यीय कमेटी बना दी है और रामपुर पब्लिक स्कूल की जमीन को खाली कराने की जिम्मेदारी इस कमेटी को सौंपी गई है। 7 दिन का हवाला दिया गया है, 7 दिन का समय दिया गया है, 7 दिन में पूरे स्कूल को कहीं और ट्रांसफर करना पड़ेगा क्योंकि बच्चों के फ्यूचर का भी सवाल है। लगभग 2000 छात्र छात्राएं वहाँ पर पढ़ रही हैं। रामपुर पब्लिक स्कूल 3 जगह आजम खान चलाते हैं। एक जगह जो अभी शिक्षा विभाग की जमीन थी, जहां पहले कभी डीआईओएस बीएसए कार्यालय हुआ करता था, आजम खान ने इसे सपा राज में जौहर ट्रस्ट के नाम आवंटित कराया। वजह यह बताई कि जौहर ट्रस्ट के जरिए हम स्कूल खोलेंगे, लेकिन खोला अपना निजी स्कूल जिसका नाम रामपुर पब्लिक स्कूल है। रामपुर पब्लिक स्कूल यतीम खाने में भी चल रहा है, जहां की बिल्डिंग को लेकर भी विवाद है। वहां पर भी बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन है, वहां पर भी कुछ लोगों का कहना है कि जमीन विवादित है। एक और तीसरी जगह भी खोला था मदरसा यालवा में, वहां पर भी विवादों के घेरे में वो जमीन आ गई। यानी कि कुल मिलाकर ये सिर्फ विवाद नजर आता है मनीष। अब जो जौहर ट्रस्ट के अंतर्गत जमीनें हैं, जो भी इस तरह की प्रॉपर्टी संचालित हो रही है, एक्शन लिया जा रहा है। मनीष, आपसे